पीतमपुरा बस्ती के लोगों की दिवाली बनी अंधेरे में और लोग बोले चुनाव का करेंगे बहिष्कार या बदलेंगे सरकार। खबर कराहल से है जहां पीतमपुरा बस्ती के रहवासियों ने बताया कि विकास के दावों की बड़ी बड़ी बातें करने वाला शासन प्रशासन हमारे मोहल्ले में साल भर में बिजली उपलब्ध नहीं करवा पाया। बिजली न होने की वजह से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे और रात को पूरी बस्ती अंधेरे में डूब जाती है, जिससे आए दिन कोई ना कोई घटना घटती है और बिजली का बिल भी विभाग के निजी कर्मचारियों द्वारा पिछले महीने 100 रुपये की जगह 500 रुपये कहकर जमा करवा लिया गया कि तुम्हारी लाइट चालू करवा देंगे, मगर आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ। हमने कई बार बिजली ऑफिस पर गुहार लगा ली, SDM तहसीलदार और कलेक्टर तक को बता दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम सब बस्ती वालों ने फैसला किया है कि यदि 2 दिन में लाइट चालू नहीं होती है तो हम चुनाव का या तो बहिष्कार करेंगे या इस सरकार को बदलने के लिए वोट करेंगे। इस मामले में जब हमारे रिपोर्टर्स द्वारा कराहल बिजली विभाग के JE मनेन्द्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बिजली विभाग बकाया होने के चलते DP नहीं बदलने की बात कही और निजी कर्मचारी द्वारा 500 रुपये लेने संबंधी प्रश्न पर शिकायत प्राप्त होने के उपरांत जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं तहसीलदार रवीश भदौरिया ने जानकारी दी कि इस संबंध में MPEV से अभी बात करता हूं, समस्या का समाधान करवाया जाएगा। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजीला सर। कौन सा मोहल्ला है ये? पीतमपुरा मोहल्ला सर। क्या परेशानी है आपको बिजली व्यवस्था को लेके? बिजली व्यवस्था नहीं है सर, 6 महीना के अंदर हम डरे बिल्कुल, और ये सरकार हमें कोई फायदा नहीं दे रही। इसमें हमें बिजली के बारे में हम बार बार कहते रहते हैं, कोई नहीं सुनता है। अब की बार में अगर DP ना आई तो हम सरकार बदलना चाहते हैं। अगर नहीं बिजली लाइट बल्ब नहीं आएगी DP तो हम बिल्कुल वोट देवे नहीं जाएंगे, वोट देवे जाएंगे पर हम सरकार बदल सकते हैं, दूसरी को दे सकते हैं। यानी आप 6 महीने से आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई सरकार में? कोई सुनवाई नहीं हुई सर। इस बार आपकी दीपावली के अंधेरे में बनी है? दीपावली आपके बिल्कुल अंधेरे में बनी है, पूरी दिन रक्षाबंधन अंधेरे में मना था और आप भी अंधेरे में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी बरसात निकल गई, सांप बिच्छू दुनिया को सता सकता है, पर हम पता नहीं कैसे हिसाब से अपने से हमारा जीवन बिता रहे हैं। भी खराब पड़ी है, कोई हम कलेक्ट्रेट से फोन लगाया था तो उसने बोली थी कि DP करवा देंगे जल्द से जल्द, आज 1 साल हो जी, 500 रुपये 2 महीना के एक्स्ट्रा हम कर दे और हम 8 दिन में 10 दिन में जाते रहते हैं। वो बोलते हैं कम से कम 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हम दो तो हम तुम्हारी DP को सही कर देंगे। आपका गुड्डी, आप यहाँ पे क्या समस्या है आपकी बिजली संबंधी? बिजली नहीं है 1 साल से और दीवारी दुनिया ने उजरे मानी और इंदिरे मानी दीवाली। आपसे पैसे भी मांगे जाते हैं इसके लिए? हाँ, बिल मांगते हैं, जब बिल जमा है ना कहते हैं वहाँ पे बिल का हम ना DP धर जाएंगे तो वोट दे पूरा काम। यानी जो चुनाव आ रहा है, परसों जो चुनाव है तो उसमें आप वोट देने नहीं जाएंगे गांव के लोग? नहीं जाएंगे हम, वोट हम तभी जाएंगे हमारे DP धर जाएंगे। आपका? मेरा नाम रूप सिंह कुशवाहा है। रूप सिंह कुशवाहा, क्या परेशानी है, क्या कहना चाहते हो? हमारे गाँव में आज 1 साल से लाइट नहीं है और लाइट के अलावा और विकास की कहती है प्रशासन, तो कम से कम जब विकास तो कोई काम को मतलब कोई काम हुआ ही नहीं है। लाइट तो 1 साल से खराब पड़ी है, 35-40 परिवार 1 साल से अंधेरे में पड़े हुए हैं, बच्चा बच्ची लाइट के बगैर पढ़ लिख नहीं पा रहे, परेशानियाँ आती है। और विकास के लिए तो रोड बच्चे बच्ची गोवर्धन स्कूल जाते हैं तो रास्ते में परेशानी आती है, कीचड़ कच्चा होता है, और प्रशासन से अगर गौर लगाते हैं SDM वगैरह साहब के जाते हैं तो बस कह देते हैं हो जाएगा काम, लेकिन आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। अभी क्या चाहते हो? अभी चुनाव भी हैं कुछ दिनों बाद, आपने इससे पहले के प्रशासन से नहीं मिले? मिले थे प्रशासन से, बोली भी थी तो प्रशासन ने हमने ये कर लिया, गांव वाले ने 1% भी हम मतदान नहीं करेंगे, 17 तारीख के चुनाव है उसमें मतदान करने नहीं जाएंगे, 0%। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजरत कुशवाहा। क्या परेशानी है जी बिजली व्यवस्था को लेकर, क्या परेशानी है तुम्हारे गाँव में? सर 8 महीने से लाट नहीं हो सके, कोई सुनवाई नहीं करे, ना कलेक्टर करा ना कुछ करा, ना बिजली कुछ करे, और एक्स्ट्रा 500 रुपये एक्स्ट्रा जमा और करवा लेगा क्या? DP आ जाएगी? आज तक DP नहीं आई, बिल भी जमा किया 13 सितंबर को मैंने, तो रसीद भी है मेरे पास। बिल जमा करने के बाद क्या कहा गया तुमसे? नो कहीं DP आ जाएगी। तो अभी 1 माह बीत गया तब भी DP नहीं आई है? नहीं आई, DP आई नहीं आई तक। अभी क्या चाहते हो? अभी DP आ जाओ और कचे यार, इस बार अभी वोट नहीं देंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी।